वाह 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 ओ भाई। तो गाइस रूबी है एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज अपन खेलने वाले हैं डायमंड रश। अपन सभी ने अपने नोकिया वाले मोबाइल में ये गेम जरूर खेला है बचपन में, लेकिन आज हम लोग अपने एंड्रॉइड फोन में ये वाला गेम खेलने वाले हैं डायमंड रश, और कुछ पुरानी यादें ताजा करने वाले हैं। तो गेम बहुत ज्यादा आसान होता है, ये देखो सिंपल से लेवल्स होते हैं, अपने को गली गली में से जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये पत्ते आए, पत्ते को अपन को तोड़ना है, और जो पर्पल पर्पल है यही डायमंड, इनको लेना। और अगर मैं गलती से चला के पत्थर के नीचे आता हूँ तो मेरी जाएगी चटनी। ओके, तो और आगे चलते हैं पत्ते तोड़ते हुए, और यहाँ पे एक संदूक है, चेस्ट है, और इसके अंदर है कंपास, मिल गया है। वाह, अभी गेट क्यों बंद कर दिया, मैं घर कैसे जाऊंगा वापस। वो ये क्या है, ओ ये मेरे ख्याल से मेन्यू है लेवल्स का, ये अलग अलग, और ये ऊपर फिर मेरे को सिखाने लग गया। अरे इससे कोई बोलो कि मेरे को मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। और अगले वाले लेवल में यहाँ पे सांप भी है, तो क्या नाचोगे? और अभी तो अपन इन सांप को मार नहीं सकते, लेकिन थोड़ा आगे जाके अपने को एक ऐसा हथौड़ा मिल जाएगा जिससे अपन इन सांप को मार देंगे, और उसके कुछ टाइम बाद अपने को एक ऐसा हथौड़ा मिल जाएगा जिससे अपन किसी भी चीज पे मारेंगे तो वो बर्फ की बन जाएगी, कुछ भी। तो अभी सेकंड लेवल खुल चुका है, और इस लेवल का ऑब्जेक्टिव है 15 डायमंड। ओह, तो आखिरकार ये लेवल भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा लेवल, और इस लेवल में ताला है, और अभी यार सिंपल सी बात है, नीचे यहाँ पे संदूक पड़ा है, इसके अंदर चाबी हो जाएगी, चाबी, और चाबी इसमें ठूस देंगे तो ये खुल जाएगा। और भाई मैं तुम्हें कह रहा था ना हथौड़ा लगेगा, ये देखो यहाँ पे आते ही इसके सर पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब अभी इसको इतनी अकल नहीं है कि यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे तीन पत्थर और दो सांप दे के मेरे को बोल दिया डिफीट एवरीवन। भाई तुम्हें एवरीवन कौन दिख रहा है यहाँ पे? और अगले लेवल में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर तो मेरे लिए ये लेवल है ही नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, सॉरी मैं मजाक कर रहा था, इस लेवल में दिमाग नहीं लगाना, लेवल में क्या पूरे गेम में कहीं दिमाग नहीं लगाना था यार। अब अपने को घूम फिर के जाना है, और फिर ये वाला पत्थर नीचे पटक देना ताकि उस प्रेशर प्लेट की वजह से वो गेट खुल जाए, तो फिर से वो -2 IQ वाला लेवल दे दिया। और भाई इस चेस्ट को ऐसे बीच में क्यों रख रखा है, मुझे क्या पता। अरे तो 2 मिनट शांति रख, पता चल जाएगा। इस चेस्ट के अंदर शायद हथौड़ा होगा। ओ भाई हथौड़ा ही निकला, तो तुमने देखा मैंने मेरा दिमाग का इस्तेमाल करके कैसे हथौड़ा निकलने के 2 सेकंड पहले ही पता लगा दिया। मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके और कुछ पता लगाना है? और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा पत्थर टूट जाएगा। भाई ये सांप ऐसा क्यों है, सारे सांप तो ग्रीन है, ये पिंक क्यों रखा है? मुझे बवासीर है। और क्या मैं इस सांप को मार सकता हूँ? ओके मार सकता हूँ हथौड़े से, लेकिन भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ओ भाई, और एक और बार इस सांप को मैंने थपेड़ा, ओ इसने भी मेरे को थपेड़ दिया। ओ गाइस मेरी पेट्रोल की बत्ती झपक रही है। सांप भाई साहब आसपास पेट्रोल पंप का है? मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ। तो फिर एक काम कर, मर ही जा तू सांप कहीं का। ओ हरे सांप, तेरे को पता है क्या पेट्रोल पंप का है? बोल नहीं सकता है, गूंगा बहरा यार। कैसे लोग है, कैसे सांप है यार, एक से पूछो तो वो कहता है मैं जेब में लेके नहीं घूमता, दूसरे से पूछो तो वो बोल ही नहीं सकता। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। गाइस आज के इस कचरे वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 40 लाइक, 40 लाइक आए तो अपन डायमंड रश आगे कंटिन्यू करेंगे। डायमंड रश तुमने भी बचपन में खेला होगा, तो तुम्हारी पुरानी यादों की कसम लाइक कर दो। तो मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग ग्रुप।